हाँ ले 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 ले। स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। किंग की एग्नेस मुझे मिल चुकी है दोस्तों, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद। चलिए क्लेम करते हैं एग्नेस को। एग्नेस के बाद किंग को ज़बरदस्त ताकत आने वाली है और संहार करेंगे अपने नए एपिक वेपन के साथ। जी हाँ, ये एक स्पेशल ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर का पार्ट है दोस्तों। चलिए कस्टमाइज़ करते हैं सबसे पहले किंग को। स्किन जैसा आप लोग ने देखा है, लॉर्ड ऑफ द ड्रेडमून मैंने इक्विप किया है और साथ में अब फेथफुल एग्नेस स्टांस, रिक्विम एक एपिक वेपन को इक्विप किए हैं और विक्ट्री पोज ऑब्वियसली इनवोकिंग द ड्रेड वेयर। चलते हैं पहले अपोनेंट की तरफ। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं, शेडो फाइट अरिना के रैंक मैचेस की हालत कैसे हो गई है। पहला अपोनेंट है अश्वा कंजोर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, एक से एक नाम मिलते हैं हम लोगों को दोस्तों शेडो फाइट अरिना में। किंग की रॉयल्टी देखिए दोस्तों, ये है किंग। सामने है कोबरा, कैंपर स्पेशलिस्ट। टैग होते हैं ना कुछ कुछ हीरोज़ के आजकल, तो लिंग दोस्तों एक परफेक्ट एग्जांपल है कैंपर फ्रेंडली हीरो का। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक लिंग प्लेयर कैसे आदमी को परेशान कर सकता है। डेडिकेटेड वीडियो मैं लिंग कैंपर्स के ऊपर बना चुका हूँ और उसका सही एग्जाम्पल आज आप लोग को देखने को मिलेगा। किंग सच में एक ऐसा हीरो है दोस्तों जो कैंपर्स के साथ टिक सकता है। हाँ, यही है कि आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए और सैक्रिफिशियल पैक्ट का आपको सच में फ़ायदा उठाना चाहिए दोस्तों। मैं पहले सैक्रिफिशियल पैक्ट का उतना फ़ायदा नहीं उठाता था, मैं कोशिश करता था कि अटैक से शेडो बार फुल करूँ, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि सैक्रिफिशियल पैक्ट इस्तेमाल करने के बाद अगर हम लोग का शेडो मूव सक्सेस रहता है तो जितना हेल्थ हम लोग लॉस्ट किए हैं उतना हेल्थ हम लोग वापस ला सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं इस अपोनेंट को, स्पेशलिस्ट है रगड़ने में दोस्तों, चार्ज बाइट अप अटैक, कोबरा स्पेशलिस्ट। अगर कनेक्ट हो गया तो जंप करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं रोल अवे कर सकते हैं, नहीं तो लो अटैक। यहाँ पे मेरा सैक्रिफिशियल पैक्ट लेकिन मिस हो गया। खैर चलिए, क्रिटिकल कनेक्ट हुआ और यहाँ पे पहले राउंड के लिए कोबरा की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे आप लोग देखिए राउंड फर्स्ट में स्टांसेस शो करते हैं दोस्तों, लेकिन सेकंड राउंड जाने के बाद स्टांसेस शो नहीं करते। पता नहीं ये कौन सा नया बग आ गया है। हालांकि एक तरह से ये भी सही है कि टाइमिंग सेव होता है क्योंकि फर्स्ट राउंड पे ज़रूरी है दिखाना, अदर राउंड्स पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन विक्ट्री पोज के साथ भी मैं देख रहा हूँ कि विक्ट्री पोज भी तुरंत फेड कर जा रहे हैं, मतलब जो राउंड का जो वो आता है ना टाइमिंग, जो अरिना का लोगो आता है वो आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस हो गया, यही डर से कभी कभी मैं सैक्रिफिशियल पैक जो इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ कि कभी कनेक्ट हो कि नहीं हो। लेकिन वही है कि सब कुछ आपके टाइमिंग पर डिपेंड करता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं सैक्रिफिशियल पैक के कारण मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हुआ और मेरे पास अजूरे वेब स्वॉर्ड नहीं है, मैं एपिक स्वॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वन वर्सेस वन के लिए एपिक स्वॉर्ड सबसे बेस्ट है। आप ड्रॉ करा सकते हो दोस्तों, मैंने आज कुछ मैचेस ड्रॉ किए दोस्तों जानबूझ के, फील करना चाहता था कि कैसा होता है और ड्रॉ किया दोस्तों, अच्छा लगा। वो गेम प्लेस इसमें इंक्लूड नहीं है, ये स्पेशल ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर। देखिए बैक बटन का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, ये रगड़ने की जो क्षमता है आप लोगों को कहीं देखने के नहीं मिलेगी, सिर्फ SGG के चैनल पर उपलब्ध है। 124वां पार्ट है दोस्तों, इमेजिन करो 123 पार्ट बना के बैठ गया हूँ, बीच में क्विट भी किया था लेकिन क्या ही बोलूँ, ये लोग हम लोगों को क्विट करने देंगे नहीं। एक एडिक्शन है शेडो फाइट अरिना में रगड़ू प्लेयर्स की, ये लोग कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। एक समय मुझे याद है कि जब बैक बटन का एनिमेशन चेंज नहीं हुआ था तब हम लोग कितने फ्रीली मूव कर सकते थे, और बैक बटन का एनिमेशन चेंज होने के बाद भी ये लोग बाज नहीं आए दोस्तों। आले ले बउआ हार गया, बउआ वेल प्लेड बोलता है, बउआ गवार कैंपर है, बउआ ताल भी ठोकता है। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ, और जिस अपोनेंट की मैं बात कर रहा था दोस्तों, शेडो हंटर लिंग प्लेयर शेडो डमास्कस इसके पास, और हम लोग सभी जानते हैं एक लिंग प्लेयर या एक लिंग कैंपर जिसके हाथ में डमास्कस हो वो क्या ही तबाही मचा सकता है। देखने को मिलेगा आप लोगों को इस राउंड में दोस्तों कि जो कैंपर्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, और जो डोजो वाले जो रटते हैं ना डोजो, उन लोगों को ये वीडियो खास करके ये गेम प्ले बिल्कुल देखनी चाहिए। ये देखिए क्या चहलकदमी है, पार्क में घूम रहे दोस्तों पार्क में। और यहाँ पर शेडो मूव मेरा मिस हो गया थोड़ा सा रेंज की वजह से, नहीं तो अगर शैटरिंग स्वॉर्ड मेरा कनेक्ट होता तो सारे मूव्स कनेक्ट हो जाते। खैर कोई नहीं, डमास्कस का आप यूज़ देख ही रहे हो, एक डमास्कस अगर लग जाए तो 25% ऑफ शेडो हेल्थ जो है आपका ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों क्या ही रगड़ने की क्षमता है, हॉप करके आके ग्रैब कर लिए इजीली। हम लोग सभी जानते हैं किंग थोड़ा स्लो है, यहाँ स्पिनिंग अटैक कनेक्ट हुआ है। और एपिक वेपन का एक फ़ायदा ये है कि
आफ्टर लाइफ के बाद एक और आफ्टर लाइफ मिलती है, लेकिन उसको भी डॉज करना बहुत ईजी है दोस्तों। मैं ये भी नोटिस किया हूँ कि अपोनेंट्स जो है ना आर पार हो सकते हैं। अगर आप रोल अवे कर रहे हो या आप जंपकिक कर रहे हो तो आपका कनेक्ट नहीं होने वाला है, वो रोल अवे हो जाता है। चलिए यहाँ पे किसी तरह कनेक्ट हुआ है, लेकिन हमारे जो हेरोइन चेंस है वो मिस हो गया और उसको शेडो मूव कनेक्ट करने का मौका मिल गया। ये देखिए क्या ही रगड़ने का क्षमता है दोस्तों, आगे ही नहीं आएंगे। ये देखिए टाइम आउट से हराने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग लगभग ये 26 सेकंड में हैं। मेरा सेक्रिफिशियल पैक बर्बाद हो गया दोस्तों और किंग अपने वेपन की यूनिक एबिलिटी में स्पिनिंग अटैक कनेक्ट हुआ है, लो अटैक कनेक्ट हुआ है, लेकिन जैसा आप लोग देख रहे दोस्तों कि अवॉइड कर सकते हैं ये लोग। और एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि आप हॉप भी करोगे ना, अगर लोगों के पास जाके हॉप करके ग्रैब करने की कोशिश करोगे तो ये लोग बैक किक का इस्तेमाल करके ना आपको पीछे ढकेल देंगे या फिर खुद ही काउंटर कर सकते हो उस चीज़ को कोई भी अटैक करके। पहले जैसा हॉप प्लस ग्रैब अब वैसे नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। ये सब बैक बटन एनिमेशन चेंजेस होने के बाद वो चली। यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग सही था, कुछ हद तक हेल्थ हम लोग ले लिए उसका, कुछ हद तक नहीं। देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं, अपने शेडो मूव्स को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस है ये लोग में। यहाँ पे मूव एक पड़ी है लात किंग की, लेकिन कोई बात नहीं जो दोस्तों आप लोग जानते ही है मैं तो मैं हूँ, इन लोगों को हराए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। एक अपोनेंट से कल मैं हारा था, जब ये वीडियो बना रहा था मुझे लगता है सागर सिसोडिया नाम था दोस्तों कीबो से, हार तो गया दोस्तों, लेकिन फिर कभी मिले तो आप लोग को वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि उसका एक ह्यूमिलेशन तो ज़रूर बनता है दोस्तों। बहुत पिरोनेस है रगड़ने की, क्योंकि नाश्ता में वो लोग रगड़ते हैं और सुबह सुबह जब रगड़ने के लिए जाते हैं तो खूब ज़्यादा ही रगड़ देते हैं दोस्तों। ये देखिए इसके जैसे ही रगड़ उमल है, ये सब एक ही हमको लगता है दोस्तों एक ही डायनेस्टी के बिलोंग करते हैं। कैंग डायनेस्टी मूवी आने वाली है ना एवेंजर्स की, ये लोग भी उसी डायनेस्टी के प्लेयर्स है। यहाँ पे ग्रैब, खेल ख़त्म। आले ले बउआ हार गया, बउआ इमोट करता है, बउआ ओवर कॉन्फिडेंट है, बउआ हरा देगा। इमेजिन करो डोजो 11 पे है, हेल्थ कम है और अटैक डैमेज भी चलो मान लिए थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर ये लोग मैक्स लेवल पे ऐसा ही खेले दोस्तों जो कि खेलते ही है तो क्या फील होगा बताओ। ये देखो मतलब क्या ही बोलने का, ऐसे प्लेयर्स के साथ रैंक मैचेस खेल के आप इंसिग्नियास कलेक्ट करोगे, मैं फील कर सकता हूँ दोस्तों। जो लोग इंसिग्नियास कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो लोग को जीतने में मुश्किल होती है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि मैच मेकिंग हम लोग का बहुत ख़राब है, और ख़राब इन द सेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लो प्लेयर्स को हाई प्लेयर्स मिलते हैं। एग्जांपल जैसे मैं इस गेम प्ले में हाई पे हूँ और वो लो पे है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स नॉर्मल लेवल पे भी अगर सेम लेवल हो या प्लेयर्स इनके कम डोजो वाले मिलते हो तो भी ये लोग ऐसे ही खेलते हैं। अंदाज़ा लगाओ ये क्या फील होती होगी। इसीलिए तो बहुत सारे प्लेयर्स लीव कर दिए शेडो फाइट अरीना, क्योंकि मेंटल पीस सबकी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे मेरा शेडो मूव बर्बाद है और ये सोच रहा होगा कि ये जीत जाएगा, लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों मैं तो मैं हूँ, इन लोगों को इतना आसानी से जीतने दे ही नहीं सकता हूँ। सबसे फ़ायदा क्या होता है प्रॉमिस्ड पावर का दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं डार्क वेल में जाने के बाद किंग का हाफ शेडो बार फुल होता है। मैं सेक्रीफिशियल पैक्ट का इंतज़ार कर रहा था, एक मुँह पर ये रेंज वेपन, बउआ सरप्राइज हो गया है मुँह पर खा के, और यहाँ पर मेरा फाइनली शेडो मूव कनेक्ट होगा दोस्तों। और इसकी गलती, इसने जंप नहीं किया और आले ले बउआ हार गया, बउआ इमोट करता है, बउआ और कुछ नहीं कर पाता है, बउआ इमोट करता है, बउआ का उप्स हो गया, बउआ की सारी हेकड़ी निकल गई, इसकी सारी हेकड़ी निकल गई है दोस्तों। चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ, कने की। यह भी बहुत महान प्लेयर है, इसके साथ तो कितना ही बार खेले हम लोग, और आज तक मैं मुझे लगता है सिर्फ लिंक्स के साथ ही इसको देखता हूँ खेलते हुए। किंग तैयार एग्नेस के साथ, एग्नेस गुर्राते हुए वापस चली गई है। अप अटैक, रेंज वेपन, और यार पता नहीं वहाँ पे कैसे मुझे लगता है कि इगोइश टैलेंट की वजह से सेक्रिफिशियल पैक्ट काम नहीं किया दोस्तों। मेरा हेल्थ भी थोड़ा सा लॉस्ट हुआ, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं, कम बैक करेंगे हम लोग। आप लोग इस प्लेयर के साथ ज़रूर खेलोगे, मेरे ख्याल से जो एक्टिव प्लेयर है बिल्कुल खेलोगे वन वर्सेस वन इसके साथ। चलिए ग्रैब करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका मार्क ऑफ डॉट ने उसे बचा लिया, मुझे लगा था मैं ग्रैब कर पाऊँगा, और मुझे लगता है किंग डार्क वेल में यस, लेकिन फिर भी किंग है दोस्तों, हम लोग सरप्राइज कर सकते हैं, यही तो फ़ायदा है
यहाँ पे हैरोइंग चेंज, मैं जानता था कि वो बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं भी, मैं तो मैं हूँ, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया अपने आप को। और यहाँ पे स्पेरिंग अटैक कनेक्ट है, और मुझे लगता है लो अटैक करना चाहिए था, गलत हो गया मेरा मूव। कोई बात नहीं, मैं सेक्रीफिशियल पैक्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि फील हो और मैं इसका काम तमाम करूँ। जी हाँ, सेक्रीफिशियल पैक्ट आ गया है और कनेक्ट भी हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, रगड़ते रगड़ते ये हार गया पहला राउंड। यही होता है रगड़ने का फ़ायदा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग भी, अगर जो लोग जो कैंपर्स ये वीडियो देख रहे हैं, भाई ऐसा ही होगा तेरा हाल, ऐसा ही सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पैसिव प्ले स्टाइल को हम लोग रोक नहीं सकते दोस्तों, ना बंद करवा सकते, इसके लिए क्या बोले, नेकी का लॉजिक कभी कभी मुझे बिल्कुल समझ में आता है। जैसे उन लोगों ने कहा कि यूनलिंग वो लोग इसलिए लाए कि पैसिव गेम प्ले को काउंटर किया जा सके, लेकिन सच बात तो ये है कि कैंपर्स यूनलिंग का कितना फ़ायदा उठाते हैं हम लोग सभी जानते हैं। ये देखिए मूर्ति बन के खड़े हैं दोस्तों वहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली बॉम्ब का इस्तेमाल किए। चलिए स्कॉर्च फिशर सोल यूनिसन, खेल ख़त्म। आले ले बउआ हार गया, बउआ का कोई भी मूव काम नहीं आया, बउआ असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को। चलते एक और अपोनेंट की तरफ दोस्तों, ये चौथा अपोनेंट है सोहेल वसीम इंस्टा आईडी। भाई इसके साथ तो बहुत कोई खेले होंगे, गारंटी है मेरी, मुझे लगता है इस अपोनेंट के इस गेम प्ले में चारों अपोनेंट के साथ बहुत कोई खेले होंगे। ये भी एक महान कैटेगरी का कैंपर है दोस्तों, इसको 3v3 में मैंने वीडियो डाला है ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर में, ये 1v1 में मिला है। मुँह पे पड़ी एक लात किंग की, और देखिए गुलाटी मारने का कितना एक्सपीरियंस है इन लोगों को, गजब गुलाटी मारते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग अल्टर, मेरा स्कॉर्च फिशर काम नहीं है क्योंकि उसने जंप किक किया, और किंग का हेल्थ जैसा आप लोग देख रहे हैं हाफ से भी कम। खैर कोई नहीं, फिर भी हम लोग हराएंगे दोस्तों। अप अटैक कनेक्ट हुआ है, किंग का अप अटैक लेकिन काफ़ी फास्ट है, थोड़ा सा मूव्स मुझे नहीं लगता कि कभी फास्ट होगा किंग का, लेकिन अनब्रेकेबिलिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन वही है कि लेजेंडरी हीरो है, सब कुछ नहीं मिल सकता है, और हम लोगों को ऐसे ही खेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इम्प्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग किंग के साथ सबसे ज़रूरी है। हेल्गा के साथ मेरा किंग जो है वो परमानेंट मेंबर है दोस्तों टीम में, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है किंग को चलाना। ऐसा नहीं है कि मैं भी हारता नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी हारता हूँ, और किंग के साथ आज वीडियो बनाने में 2-3 मैच हारा हूँ। एक चाइनीज़ प्लेयर मुझे 2 बार आयरन क्लड से हराया है, एक सागर सिसोडिया का मेंशन मैंने किया था कीबो से, उसने हराया मुझे, और मुझे लगता है कि 2 मैचेस मैंने जानबूझ के ड्रॉ किए, खाली टेस्ट करना चाहता था। वो वीडियो अभी भी है, अगर आप बोलोगे तो वो मैचेस दिखाऊंगा मैं, एक ईटू के साथ एक फायर गार्ड के साथ। पहला राउंड जीतने के लिए काफ़ी निकट हूँ, ग्रैब और खेल खत्म। किंग का एपिक वेपन की एबिलिटी काम नहीं आया, हालांकि अच्छा ही हुआ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ड्रॉ वाला चीज़ भी आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि एक एक विन दोनों को मिल जाता है, नेक्स्ट राउंड पर कोई भी जीतता है वो राउंड उसका हो जाता है, यानी वो मैच ही उसका हो जाता है। ये देखिए आगे नहीं आएंगे ये लोग महारत हासिल किए दोस्तों रगड़ने में। वॉशिंग मशीन, सरफ, एक्सेल, ये सब जो कंपनीज़ है, ये सब इन्हीं लोग से आइडिया लेके जाती है कि कैसे साफ़ किया जाए। लो अटैक कनेक्ट हुआ है, और उसका शेडो मूव मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि स्टेबिलिटी चार्जेस जितने घटेंगे मैं उतना ही ज़्यादा डैमेज करूँगा। यहाँ पे कनेक्ट हुआ है मेरा सैटर्न स्वॉर्ड, स्कॉर्च फिशर, सोल यूनिसन, हैरोइंग चेन्स का टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़, स्पिनिंग अटैक कनेक्ट है, मूव है अवॉइड किए वहां पे। आयरन क्लैड 1v1 में अभी भी इफेक्टिव है, लेकिन 3v3 में बिल्कुल भी नहीं। नॉकआउट टैलेंट के साथ लो तो आप बिल्कुल इफेक्टिव है। यहाँ पे सैक्रिफिशियल पैक तक टाइमिंग मेरा गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग फिर भी हराएंगे इसको, क्योंकि रगड़ू कैंपस को SGC जीने नहीं देगा, जीना तो छोड़ो पीने नहीं देगा। ये देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं दोस्तों, आगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं सैक्रिफिशियल पैक्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा फील हुआ, जी हाँ फील हो गया है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता है, खेल खत्म। आले ले बउआ हार गया, बउआ का कोई भी मूव काम नहीं आया, बउआ रगड़ते रगड़ते हार गया। आले ले बउआ वेल प्लेड भी बोलता है, कितने ये लोग, मतलब कितना ये लोग का है दोस्तों कि ये लोग ये सब भी बोल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कॉमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा, बाय बाय।